यहाँ गांव। यहाँ पर 10 साल पहले बहुत ही बड़ा जंगल था, जब तक ये जंगल गांव लोग के संरक्षण में थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट अपने अंडर में ये जंगल को लिया, तब से लेकर आज तक कुछ बाहर के लोग और कुछ गांव के लोग मिलकर इसको ख़त्म करना शुरू किया, काटना शुरू किया, जिस वजह से मेरी समुदाय के लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 10 वर्ष पूर्व जंगल एवं एबेकार जंगल भितर आप कौन प्रभेद पाँच? बहुत तो प्रभेद, से जंगल सबुआडे भरीपूर्ण थी, बर्षा जिते बुला से होता आए जंगल पूरा लोप होगा, लोप होगा बर्षा बिलकुल हो से फसल होता, दी तीन फसल होता, घर द्वार चारिड़े पा मड़ूला ओना झर आहर कि ना सब सुखीगला पा कौट आस जंगल एमती कटाले तो बर्तमान परेश अत्यधिक प्रदूषण हो गला, गरम अत्यधिक है, बर्षा तो कमीगला, चाष कमी कमी आसला, आगामी दिन को बोधे आज चाष भी हो पारे, देश में खावा को लोक मैंने पाइबे कि आश में लोक भी बंची पारे जो अंशुघात जनित मृत्यु दिनक दिन अत्यधिक हम तापर काल बैशाखी आसब विभिन्न प्रकार गरम रु जनसाधारण एपर्त जंगल सचेतन हो पार ना से जाड़ काठ घर तैयारी उपकरण आवश्यक थी जंगलटा बेस नष्ट। अच्छा, किसी काठ माफिया द्वारा मैंने पचारी से कहले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो किसी लोक पैसा देना काठ बिक्री कर तो कौन कहे आप सेमती तो आम नजर को आसनी हो विभिन्न प्रकार स्टाफ अच्छा असाधु मेट लोक सांग कनाइब रही यदि से चोरी करेंगे किसी कहीहबन असंभव न। जंगल काटे जाने की वजह से जंगल में जो सब हाथी रहते थे वो हाथी सब बाहर आ रहे हैं और यहाँ की फसल सब खा रहे हैं और झरना भी सूख रहा है, पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा है और गर्मी भी हो रही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो नीचे दिया गया एड्रेस पर एक कंप्लेंट दर्ज करें, जिससे जंगल सुरक्षा हो सके और गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग इसका ठीक तरह से संरक्षण कर सके। इंडिया अनहर्ड्स के लिए मैं ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट से संतोष।